हेलो ट्रेवलर्स, कैसे हैं आप सब। तो अगर आप भी हरिद्वार जाने का प्लान कर रहे हो 2023 में, या फिर बच्चों की गर्मियों की छुट्टी में आप हरिद्वार जाने का प्लान कर रहे हो, तो आपको एक सबसे बड़ी चिंता ये सता रही होगी कि आपको रुकना कहाँ पर है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जगह बताने वाली हूँ जहाँ पर आपका रहना खाना बिल्कुल फ्री होने वाला है। इस जगह का नाम है शांतिकुंज और इसकी टाइमिंग होगी सुबह 3:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। अगर आप वहाँ पे जाते हो तो इस टाइमिंग के बीच में आप जाइएगा, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा जिसमें एंट्री पास आपको दिया जाएगा वहाँ पे, जिसमें आपको अपना नाम, अपनी प्लेस, अपना मोबाइल नंबर, आने का यहाँ पर पर्पज़, और अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से जा रहे हो तो आपको व्हीकल नंबर की डिटेल भी यहाँ पर जमा करवानी पड़ेगी। तो इसको आपको एंट्री पास के बाद आपको यहाँ पर एंट्री मिल जाती है और आपको एंटर करते ही यहाँ पर इतना सुंदर नज़ारा देखने वाला है। अगर बात करें हर की पौड़ी से, तो हर की पौड़ी से इसका डिस्टेंस है, जो शांतिकुंज का डिस्टेंस है, वो 5 से 6 किलोमीटर है। ये आप जो जगह देख रहे हो, यहाँ पर आप अपना व्हीकल पार्क करोगे और यहाँ से ही आपको जाना है शांतिकुंज के लिए। ये साइड में रास्ता जा रहा है, यहाँ से आप शांतिकुंज के लिए आगे प्रस्थान कर जाओगे। आपको अगर यहाँ पर सबसे पहले मिलेगी कैंटीन, ये पेड कैंटीन है। अगर आपको यहाँ पर कुछ नाश्ता पानी करना है तो यहाँ पे आपको बहुत ही सस्ते रेट्स में आपको चाय, कॉफ़ी और बाकी जो ब्रेकफास्ट की जो चीज़ें होती हैं वो मिल जाएंगी। यहाँ पर मैं आपको रेट लिस्ट भी दिखाऊंगी, रेट लिस्ट में आप देख सकते हो, वीडियो पॉज करके देखिए। इडली सांभर, वड़ा सांभर, जलेबी, डोसा, ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही मिनिमल रेट पे यहाँ पर मिलने वाली है। और यहाँ पर साफ़ सफाई का काफ़ी अच्छा इंतज़ाम कर रखा है। और अगर आप पूरे जर्नी के बाद यहाँ पर आते हो तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये सुविधा मिलने वाली है। एंट्री करते ही आपको यहाँ पर समाधि स्थल दिखेगा, जहाँ पर चारों तरफ ग्रीनरी है, काफ़ी शांति की अनुभूति यहाँ पे होती है। यहाँ पे प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा के नाम से यहाँ पे 2 समाधि स्थल बना रखे हैं और काफ़ी अच्छा यहाँ पे मेंटेन कर रखा है, साफ़ सफाई काफ़ी अच्छी है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो मैं आपको स्क्रीन पर इसके बारे में डिटेल दे रही हूँ, आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। अब इसी के चारों तरफ जो ये समाधि स्थल है, यहाँ पे वृंदा यानी तुलसी के पौधे लगाए हुए हैं और साइड में एक यज्ञशाला भी है। अगर आपको यहाँ पे यज्ञ कराना है, पूजा पाठ करानी है, तो वो भी आप करा सकते हो। और सबसे अच्छी बात जो मेरे को यहाँ की लगी कि यहाँ पे सारी चीज़, मतलब जो भी मेंटेनेंस होती है, जो भी सिखाया जाता है, वो इनबिल्ट है, क्योंकि काफ़ी बड़े एरिया में ये फैला हुआ है। तो यहाँ पर सारी चीज़ आपको इनबिल्ट ही मिल जाएंगी, इन हाउस ही मिल जाएंगी, चाहे वो कैंटीन हो, खाने पीने की सुविधा हो, चाहे वो किसी रिपेयरिंग की दुकान हो, कई प्रशिक्षण कक्ष आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे म्यूज़िक सिखाया जाता है, यहाँ पे कई तरह की यहाँ पे विद्या भी दी जाती है, कई तरह की यहाँ पे पढ़ाई भी कराई जाती है। वो आपको आगे वीडियो में दिखाई देगा, आगे वीडियो में मैं डिटेल बताऊंगी। अब जो आप यहाँ पे देख रहे हो वो है देवालय हिमालय मंदिर। आप यहाँ पे एंटर करोगे तो यहाँ पे इतना अच्छा ये बनाया हुआ है, आप यहाँ पे बैठ के शांति से मेडिटेशन भी कर सकते हो और यहाँ पे आराम से बैठ भी सकते हो। अगर आपके दिमाग में, आपके जहन में कुछ हलचल चल रही है, कुछ परेशानी चल रही है, तो आप यहाँ पे बैठ के आराम से यहाँ पे मेडिटेट करिए, आपको देखिएगा बहुत शांति मिलेगी। बाकी यहाँ पर जो भी है, सारे जगह इस तरह से बनाई गई है, सारी जगह इस तरह से ग्रीनरी बनाई गई है, ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है यहाँ पर कि आप जहाँ पर भी बैठोगे वहाँ पे आपको शांति मिलने वाली है, बहुत ही ज़्यादा सुकून यहाँ मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको औषधिशाला भी मिलेगी, जहाँ पर आपको पेड़ों के साथ साथ उसका चूर्ण जो होता है, चूर्ण के अगर आप खरीदना चाहते हो, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और यहाँ पर देखिए, औषधिशाला में यहाँ पर हर पेड़ पे, हर औषधि पे यहाँ पर आपको नाम दिखाया जाएगा कि ये किस चीज़ की औषधि आपको यहाँ पर दिखाई जा रही है, किस चीज़ की औषधि ये लगी हुई है। आप अंदर जाओगे, काफ़ी सारे आपको पेड़ पौधे, काफ़ी सारे औषधि वाले पौधे आपको यहाँ पर दिख जाएंगे, जो एक QR कोड से भी आप अपने मोबाइल से स्कैन करके पूरी डिटेल आप निकाल सकते हो और इसको पढ़ सकते हो। और देखिए, यहाँ पर पूरा डिटेल में बताया गया है कि कौन सी औषधि का काम क्या है, किस तरह से वो यूज़ होती है, पूरा डिटेल आपको यहाँ पर बताया हुआ है। और QR कोड भी इन्होंने दे रखा है, जो बहुत ही अच्छा मुझे लगा। जिस भी चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए, आप सिर्फ QR कोड स्कैन कीजिए और यहाँ पर आपको सारी चीज़ डिटेल मिल जाएगी उसकी। तो वो जड़ी बूटी जो मैंने बताया था आपको पाउडर फॉर्म में भी आपको मिल जाएगी यहाँ पर। अगर आपको वहाँ पर ख़रीदना हो तो आप ख़रीद भी सकते हैं। तो यहाँ पे ये शॉप है इनकी खुद की, जो बेस्ट प्राइस पे आपको शुद्ध
औषधि प्रोवाइड कराते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हो काफ़ी सारी बुक हैं, यहाँ पर बुक स्टोर भी यहाँ पर है। मैंने जैसा कि पहले कहा था, सब कुछ यहाँ पर इन हाउस है, आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ मिलने वाली है। अब बात आती है खाने पीने की। तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर टाइमिंग दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर। तो ये टाइमिंग पे आपको यहाँ पे बिल्कुल फ्री में खाना मिल जाएगा। आप इन टाइमिंग्स पर आप यहाँ पे आते हो तो आपको बिल्कुल फ्री में यहाँ पर खाना दिया जाएगा। बिल्कुल भोजन आप फ्री में यहाँ पर कर सकते हो। और यहाँ पर आपको एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, आपको सबसे पहले तो सफाई का ध्यान रखना है, और सेकेंड चीज़ का जो ध्यान रखना है, यहाँ पर सेल्फ सर्विस है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, यहाँ पर अपने प्लेट्स अपने बर्तन खुद धोने होते हैं। तो आप वहाँ पे छोड़ के बिल्कुल भी मत जाइएगा। चाहे आपके साथ बच्चे हों तो बच्चों के बर्तन भी आप उठा के यहाँ पे साफ़ कीजिएगा, और साफ़ सफाई का ध्यान रखिएगा, और अपनी जगह से जहाँ से आपने बर्तन लिए हैं वहाँ पर ही रखिएगा। यहाँ पर ही इस तरह की कैंटीन आपको अंदर मिल जाएगी, जहाँ पर आपको मिठाई लेनी हो या फिर आपको कोई भी चीज़ लेनी हो तो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। देखिए, यहाँ पे शुद्ध देसी घी की मिठाई बनाई जाती है। स्क्रीन पर इसके रेट्स भी हैं, अगर आप भी रेट चेंज हो गए हो तो वो आप यहाँ पर जाके देख सकते हो। पर यहाँ पर जो मिठाई बनाई जाती है वो एकदम शुद्ध देसी घी की बनाई जाती है, और एकदम साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है। क्वालिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो आपके पास ये एक ऑप्शन भी है कि अगर आप यहाँ से ये चीज़ खरीदना चाहो, मिठाइयाँ खरीदना चाहो, तो वो भी आप यहाँ पर खरीद सकते हो। और देखिए, जैसा कि मैंने बोला, और मैं अपने हर वीडियो में जितने भी आपको मैं आपको धर्मशाला के ऑप्शंस दिखाती हूँ, यहाँ पे साफ़ सफाई का अच्छा ध्यान रखा जाता है। आप एंटर करोगे तो यहाँ पर आपको अपने रहने के लिए एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। ये फॉर्म आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और आपको ये फॉर्म फिल करके यहाँ पर देना पड़ेगा, और आपको पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पर रहने की जगह मिलेगी या नहीं। बाकी सबको ऐसा होता है कि हमेशा यहाँ पर जगह मिल जाती है, क्योंकि काफ़ी बड़े एरिया में ये बना हुआ है। तो आपको यहाँ पर रहने की जगह, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस, मिल ही जाएगी। पर यहाँ पे एक बात है कि यहाँ पे आपको एक पर्सनल रूम नहीं मिलेगा। अगर आप थोड़े बंदे आ रहे हो, दो या तीन बंदे आ रहे हो, तो आपको कहीं एडजस्ट किया जाएगा किसी और के साथ, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। और अगर आप ग्रुप में आ रहे हो तो आपको अपना एक पूरा पर्सनल रूम मिल ही जाएगा, क्योंकि आपके साथ लोग बहुत सारे होने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन है इनके यहाँ पर रहने के। तो यहाँ पर इस स्क्रीन पर आपको दिखा रही हूँ मैं, इसको आप प्लीज़ पॉज करके पढ़ लीजिएगा कि यहाँ के क्या रूल एंड रेगुलेशन है, किन को यहाँ पर रहने दिया जा सकता है। यहाँ पर रहना तो बिल्कुल फ्री है, खाना भी बिल्कुल फ्री है। अगर आप यहाँ पे विजिट करने भी आ रहे हो, रहना नहीं है आपको, रहना कहीं और है, तो यहाँ पे भोजन बिल्कुल फ्री है। आप यहाँ पे आइए, जो इनका टाइमिंग है वहाँ पर आकर आप यहाँ पे भोजन कर सकते हैं। कई शिविर चलता है, जैसे नौ दिवसीय संजीवनी साधना सत्र और योग शिल्पी सत्र, परिविराजक सत्र, और दूसरा ग्राम प्रबंधन सत्र, त्रैमासिक संगीत प्रशिक्षण सत्र। नौ दिन में जीवन जीने की क्लास सिखाते हैं, जिसमें तीन टाइम आरती, प्रार्थना, ध्यान, गायत्री मंत्र का लघु अनुष्ठान करवाते हैं। मानव को महामानव बनाने का इसमें ट्रेनिंग दिया जाता है। एक माह का शिविर में ध्यान, योग, प्राणायाम, यक्ष संस्कार, उद्योग, जन जागरण हेतु संगीत सिखाते हैं। इसमें क्या है, कुछ कुटीर उद्योग का काम उसमें सिखाते हैं। महिलाएं यहां से जा करके अपना घर में कुटीर उद्योग का काम सीखा ट्रेनिंग दे सकती है, या स्वयं उसका जीवन निर्वाह कर सकती है। और एक शांति कुंज के अलावा देव संस्कृति विश्वविद्यालय है, जिसमें देव संस्कृति विश्वविद्यालय में कई तरह के कोर्स हैं, जिसमें उसमें ट्रेनिंग उसमें पढ़ाई होती है, जिसमें 12वीं करने के बाद उनमें एडमिशन होता है, वहाँ PhD भी करवाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी है। यहाँ पे जो एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, यहाँ पे जितना भी रहने खाने की सुविधा है, किस तरह से यहाँ पे साफ़ सफाई है, यहाँ पे अखंड दीप, देवात्मा मंदिर, गायत्री माता मंदिर, ये प्रमुख कुछ जगह हैं जो आप अगर वहाँ पे विजिट भी कर रहे हो, रहना नहीं है तो वहाँ पर आप जाकर ज़रूर इन चीज़ को देखिए। और यहाँ पर साफ़ सफाई का मैं कहती हूँ कि आपकी जिम्मेदारी, ज़रूर यहाँ पर ध्यान रखिए।